आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो नहीं एक पॉडकास्ट है जिसमें हमें ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम पर आमंत्रित किया गया था, जहां हमने गार्डनिंग और प्लांटेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा की है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को और जानिए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो दर्शकों, आप सबको आज का जो समय है बहुत भागम भाग वाली जिंदगी हो गई है, और ऐसे में लोग अपने बारे में नहीं सोचते तो पेड़ पौधों के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ होती है वहाँ रहा भी होती है ना, क्योंकि ये जो पौधे हैं हमें एक सकारात्मक भावनाओं को जगाते हैं, और एक ऐसे ही युवा से मिले हम जो पेड़ पौधों के प्रति उनका रुझान देखने लायक है। प्रश्न कहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास राठौर है, BSc एग्रीकल्चर और फूड प्रिजर्वेशन, और कई सारी प्लांट्स में मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की हुई है। इस एग्रीकल्चर को अपनाना एक आजकल के समय में जो बच्चे हैं वो तो नहीं पढ़ना चाहते हैं, भाई वो भाई हमने हमारे माँ बाप ने किसान खेती की है भाई हम तो नहीं करेंगे, है ना। इसको चूज करने का क्या मकसद रहा आपका? चूज करने के लिए तो दो चीज़ें थी मेरे पास, कि पहला था कि मुझे ज़्यादा, मैं एवरेज स्टूडेंट था, कोई हाई फाई स्टूडेंट नहीं था, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, तो मुझे सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा मैं क्या चूज़ करूँ ऐसा कि जो मेरे लिए अच्छा भी हो और प्लस मुझे उसमें नॉलेज भी मिलती रहे। तो बहुत सारी जानकारी ढूंढने के बाद मुझे पता चला एग्रीकल्चर के बारे में, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी जगा, प्लस मुझे इसमें नॉलेज भी मिलना शुरू हो गई, तो मैंने कहा मैं यही करूंगा। फिर मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया। यानी एक रोजगार का माध्यम भी बनाया, और सबसे बड़ी बात आपने ये कि भाई दूसरे सब्जेक्ट इतने टफ थे जिसको आपने माना, जो आजकल के बच्चे मानते नहीं है, शो ऑफ में काफी विश्वास करते हैं। तो और दूसरी बात ये कि आपने अपने रुचि को जाना, और जब हम अपनी रुचि को जानते हैं ना उसमें हम काफी काफी आगे बढ़ जाते हैं और एक दिन सफल होते हैं, पक्का सफल होते हैं। तो आप ये बताइए, आपने जो ये काम शुरू किया गार्डनिंग का, इसके लिए आपको क्या क्या सोचा, इसको किस तरह से आप आगे ले जाएंगे? पैटर्न तो पहले स्टार्टिंग में तो ये था कि हम शहरों के लिए कुछ ऐसा सेटअप लेकर के आए जिससे हम शहरों में ग्रीनरी बढ़ा सकें। फिर धीरे धीरे जैसे हम इस पर काम करने लगे, जानकारी मिलने लगी हमें, फिर हमें जानकारी और बढ़ी, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे पॉटिंग मिक्स तैयार किए जाएं जो लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाएं और लोगों को ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, क्योंकि आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होता है, सबका शेड्यूल बिजी होता है, तो इतना कोई देख रेख नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम रेडी टू यूज़ सॉइल तैयार करके देते हैं, जो कि कस्टमर या फिर जो लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से अपने गमले में फिल करके पौधा लगा सकते हैं। यानी वैसे भी रेडी टू ईट का जमाना है जी, यस। ये हो गया रेडी टू प्लांटेशन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा जॉब है ये, और आपने इस काम को कुछ नाम दिया है? जी जी, इसको हमने जो हमारा पूरा सेटअप है, जो पूरा स्टार्टअप है, वो हमारा टेढ़ी बगिया के नाम से ही है। टेढ़ी बगिया, ये बगिया टेढ़ी कैसे हो गई? इस पे थोड़ा सा ये है कि एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे गार्डनिंग करना, प्लांटेशन करना या फार्मिंग करना बहुत टेढ़ा ही काम है, इसलिए इसको हमने टेढ़ी बगिया नाम दिया। आपने टेढ़े को सीधा कर दिया। जी जी, तो नाम काफी दिल को छूने वाला है। प्लांटेशन के बारे में कुछ बताइए, आप किस तरह से एक शहर के लोगों को प्लांट लगाने में परेशानी ना हो? तो देखिए, प्लांटेशन में शहरों में सबसे बड़ी समस्या आती है मेरे हिसाब से, वो आती है सबसे पहले सॉइल का, ठीक है। दूसरा आता है कि प्लांटेशन के बारे में डिटेल जानने का, क्योंकि हर प्लांट्स भी एक लिविंग है, वो भी जिंदा है, उसके बारे में भी हमें सीखना पड़ता है, वो कब गर्मी से बचाना है, कब उसको सर्दी से बचाना है, कब उसको कितना न्यूट्रिशन देना है, तो इन पे भी हम बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करा के चलते हैं ताकि जो लोगों को आसानी हो सके। तो आप इसके लिए कुछ और आयोजन करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में घर घर जाकर तो काम नहीं हो सकता। जी जी, तो इसमें जो है हम अभी एक इवेंट चला रहे हैं, जो अभी हम स्कूल कॉलेज और सोसाइटीज में चला रहे हैं, जिसमें हम जो प्लांटेशन है, गार्डनिंग है, उसके बारे में डिटेल बता करके चलते हैं, और
हैंड होल्डिंग प्रोग्राम भी चला के चलते हैं, जिसमें लोग खुद से ही सीख पाए या हम उनको एक महीने दो महीने का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है उसको प्रोवाइड करा के चल रहे हैं। लेते हैं क्या? जी जी, उसके लिए देखिए जो इवेंट है वॉर ऑफ ग्रीनरी जिसको हमने नाम दिया, वो हमारा 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। बट अभी हमने एक समर कैंप जैसा प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके लिए अभी हमने कुछ लिमिटेड चार्जेस रखे हुए हैं। अच्छे काम के लिए थोड़े पैसे जाए तो कोई बात नहीं। पौधे बहुत जल्दी उठा जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ऐसे में आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो भी मैंने स्टडी किया है उसमें यही सबसे बड़ा इशू आता है कि लोग पौधे ले आते हैं, गमले ले आते हैं, सुंदर सुंदर गमले ले आते हैं और पौधा लगाते हैं, और लगाने के कुछ समय बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद पौधे या तो मुरझा जाते हैं या फ्लावरिंग वाले पौधे हैं तो वो फूल देना बंद कर देते हैं। पौधे जिंदा है पर फूल नहीं दे रहे हैं, तो ये इशू आने लगता है। इसका सबसे बड़ा इशू जो आता है वो आपका जो मिट्टी होता है गमले के अंदर, जो आपने मिट्टी भरा है वो होता है, क्योंकि आप उसमें कोई न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी नहीं कराते, प्लस अलग अलग पौधे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो पौधों में जो न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचती है और उनका जो सर्वाइवल लेवल है वो अच्छे से चलता है। तो सबसे पहले पौधा लगाने से पहले उसका जो मिट्टी है वो अच्छे से तैयार करना होता है, उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होते हैं जिससे वो प्लांट्स उसमें से न्यूट्रिशन ले पाते हैं। यानी जिस तरह शरीर के लिए हमारे लिए संतुलित आहार जरूरी है, जी जी, पौधों के लिए ये संतुलित आहार भाई ये तो कोई विशेषज्ञ ही जान पाएगा जैसे आप हैं। फिर आज के टाइम में बीज बनाना, उगाना और खाद बनाना एक शहर के लोगों को तो नहीं आता, हाँ ग्रामीण के लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं उन्हें आता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। इस पे भी हम जो है जब हम अपना इवेंट करा के चलते हैं या सिखा करके चलते हैं उसमें हम यही बता के चलते हैं कि जो आपके किचन से वेस्ट निकलता है उससे आप कैसे फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। किचन से वेस्ट जैसे? जैसे आपके छिक्कल निकलते हैं, जो कच्ची सब्जियां होती हैं या बेकार डंठल वगैरह होते हैं सब्जियों के, जो कि हम यूज नहीं करते, या तो हम जानवरों को खिला देते हैं या फिर हम उसको गार्बेज में फेंक देते हैं, उसका हम यूज करते हैं डीकम्पोज करके, उससे एक किचन वेस्ट कंपोस्ट बनता है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा के चलता है। अब देखिए नवरात्र हैं, माता रानी पर फूलें मालाएं जी जी हम अर्पण कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है हम नदी में प्रभावित कर दिया, वाटर पॉल्यूशन होता है तो प्रदूषण होता है तो इसकी जगह हम उसका डीकंपोज कर दें, उसको हम प्लांटेशन जी जी में यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, पर डीकंपोज करें कैसे ये भी तो बताइए। हाँ, डीकंपोज करने के लिए देखिए बहुत आसान होता है, आप कोई बकेट लें उसमें नीचे एक टैप लगा लें, नल लगा लें, ताकि उसमें ओवर वाटरिंग जो है वो बाहर निकल जाए, और उसमें छोटे छोटे होल्स बना लें, और उसमें क्या करना है आपने जो आपका गार्बेज निकलता है किचन वेस्ट जो निकलता है उसको आप फिल करिए, फिल करने के बाद क्या करना है आपको जो गुड़ होता है जो जगरी होता है हमारा गुड़, उसका वाटर बनाना है, घोल करके उसके वाटर में बनाना है, और उस वाटर को उस गार्बेज में डाल करके कैप लगा देना, उस बाल्टी का लॉक कर देना उसको, उसमें होल्स होंगे उससे एयर निकलती रहेगी और वो डिकम्पोजिशन फिर उसमें प्रोसेस चलने लगेगा। अगर आप नॉर्मल केवल जो पत्तियां हैं या आपके जो भी वेस्टेज है उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, जब आप गुड़ का पानी मिला करके उसमें डाल देते हैं तो वो डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी और बहुत फास्ट होने लगता है। फंगस भी तो लगता है, इस तरह से बंद करके रखेंगे? नहीं नहीं, जब आप बिल्कुल लॉक नहीं करेंगे, जैसे आपने कैप लॉक किया है बट उसमें एरिएशन के लिए हमने होल बना रखे होते हैं, फफूंद लगने की चांसेस नहीं होते हैं। देखिए गमला भरने के लिए क्या करना होता है कि जैसे गमला रहता है गमले को हम 2 से 3 लेयर में भरते हैं, जैसे पहला होता है कि हम जो गमला रहता है उसका ड्रेनेज होल उसमें जो नीचे छेद होता है उसको अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि उससे वाटर अच्छे से बाहर आ जाता है और इरिगेशन भी उससे होने लगता है, प्लस उसके बाद जो होल होता है उसको हम एक कंकड़ की मदद से या फिर किसी पत्थर की मदद से उसको कवर करते हैं, या फिर आप उसमें एक छोटे कंकड़ों की लेयर या पत्थरों की लेयर बिछा देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं फिर उसमें जो हम सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं वो फिल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसमें अगर आप सॉइल मिक्सचर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप मिट्टी लें, मिट्टी में बालू मिलाएं, और बालू मिलाने से क्या होता है मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, तो ये आपका घर से ही काम हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। और आप ये भी कर सकते हैं जैसे आपने नीचे कंकड़ों की लेयर बिछाई है उसके ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं पौधों की जो झड़ रही होती हैं
उस टाइम उसको इकट्ठा करके उसमें डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। और हमेशा गमला जो है 70% भरना चाहिए, पूरा 100% नहीं भर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें जगह नहीं बचती है पानी के लिए, या फिर आपको गुड़ाई करने के लिए या दूसरे कोई फर्टिलाइजर डालने के लिए। तो इसलिए उसको 3 लेयर में भरें। पहले उसमें नीचे पत्थर लगाएं, छोटे छोटे पत्थर लगाएं, उसके बाद आप उसमें पत्तों की एक लेयर लगाएं, सूखे पत्तों की। वो क्या होता है, जब डीकम्पोज होंगे तो वो आपस से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद आप अपना सॉइल मिक्सचर भरेंगे और उसको केवल इतना भरेंगे कि आपका गमला कम से कम 4 से 5 इंची ऊपर खाली बना दें। आपने मिक्स सॉइल के बारे में बताया, मिक्स सॉइल के ये क्या है? मिक्स सॉइल क्या होता है कि हम प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पे तैयार करते हैं। जैसे अगर हमारा पौधा फूल वाला है या फल वाला है तो हम उसमें अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके चलते हैं, या हमारा पौधा ऑर्नामेंटल है सजावटी वाला है तो हम उसमें केवल थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करके चलते हैं। तो जैसे अगर हमें पहले सॉइल मिक्सचर बनाना है नॉर्मल, जो हम सभी प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप 50% जो गार्डन सॉइल होता है वो ले सकते हैं, उसमें आप 20% आप सैंड मिला सकते हैं, जो बालू होती है वो मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं जो गोबर से बनता है, या फिर आपके पास जो काउडंग कंपोस्ट होता है, जो पुराना 2-4 साल पुराना जो गोबर होता है सड़ने के बाद ब्लैक हो जाता है, जो खेतों में भी यूज किया जाता है, उसको भी आप मिला सकते हैं। ये 3 या 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, इनको आप अच्छे से मिला करके अपने गमले की मिट्टी में लगा दें और आपका पौधा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। समस्या ये है कि शहर में गोबर भी मिलना मुश्किल है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि वो बहुत सिंपल है, अगर आप काउडंग कंपोस्ट नहीं मिल पा रहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट मार्केट में आराम से 20 से 30 रुपीस पर केजी के हिसाब से मिल जाता है, रेडीमेड बना हुआ मिलता है, रेडीमेड आराम से लोग यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात बताई आपने। एक और बात बताइए, लोगों को आजकल इंडोर प्लांट का बड़ा शौक हुआ है, भाई इंडोर कहते हैं कि यार जो प्रदूषण है कमरे की उसको वो दूर करता है, और कुछ लोग ऐसे भी पौधे लगा रहे हैं जो गुड लक के तौर पर, तो इन पौधों के बारे में या इंडोर आउटडोर के बारे में बताइए। इंडोर आउटडोर में क्या होता है, जैसे मोस्टली मैं तो कोशिश करता हूँ शहरों में इंडोर प्लांट्स पहले लगाए जाएं, बिकॉज क्या होता है कि शहरों में जो घर होते हैं मकान होते हैं वो बहुत बंद होते हैं, हवा बिल्कुल आ नहीं पा रही है या फ्रेश एयर नहीं आ रहा है, तो समस्या हो जाती है, उसके लिए हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं। इंडोर प्लांट्स क्या होते हैं, जो हमारे किचन से जब हम ऑयल फ्राई करते हैं तो उससे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, प्लस जो हमारा नया फर्नीचर आता है जिस पर हम पेंट होकर के आता है या फिर वार्निश आती है उससे हाँ स्मेल आती है, तो उसमें क्या होता है कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं, उसको एयर को प्योरीफाई करने के लिए हम इंडोर प्लांट्स को लगाते हैं। और इंडोर प्लांट्स अगर आप अपने घर में लगाते हैं आपका एनवायरनमेंट तो स्वच्छ होगा ही होगा, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव भी होगा और एक अलग एनर्जी आपको फील होती रहेगी प्लांटों से। उम्मीद करते हैं कि आज से लोग अपने घरों में पौधा लगाने में हिचकिचाएंगे नहीं। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसे कि मैम ने आज हमें बहुत सारी जानकारी हमसे ली और अपने चैनल पे आकाशवाणी पे ये प्रोग्राम दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, और हमने भी कोशिश करी है कि इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करी जाए, तो इसके लिए हम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपसे मिलने का मौका मिला और पौधों के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि मैं ही ऐसा करती थी, पौधे ले आया उसका लुक आफ्टर तो करने की कोशिश करती थी, जो भी जहाँ से लिया वहाँ से उन्होंने खाद दे दिया वो डाल दिया। आपने मुझे बताया कि संतुलित आहार भी चाहिए उनको और किस तरह से, और इनके कारण ही आज मेरे घर में इंडोर प्लांट एंड आउटडोर प्लांट लगे हैं, इनके समझाने के लिए शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए। और तो दोस्तों ऐसी प्लांटेशन के गार्डनिंग के या फिर अपनी छत पर प्लांटेशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।